मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही खुश हूँ आज 24 तारीख को फिल्म रिलीज़ हो रही है शुक्रवार को, और आज इसका म्यूज़िक लॉन्च है। हमारे सारे साथी कलाकार आज यहाँ उपस्थित हुए हैं इसकी खुशी मनाने के लिए। अभी मैं आपको म्यूज़िक सीडी भी दिखा देता, लेकिन मेरे पास हाथ में नहीं है। तो ये अच्छा मौका है, खुशी का मौका है, शुभ अवसर है, और इस अवसर पर मैं इस फिल्म के डायरेक्टर को और इस फिल्म के निर्माता जो हैं फैज़ल कपाड़िया साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा, और आने वाली फिल्म के लिए ढेरों शुभकामनाएं। जैसा मैंने कहा, ये एक राइटर की कहानी है, और एक राइटर जो लिखना चाहता है और जो लिखने के लिए उस पर उसको मजबूर किया जाता है, उसके बीच का जो द्वंद्व है वो कैसे उसकी फैमिली को अफेक्ट करता है, उसके दोस्तों को अफेक्ट करता है, उसके समाज को अफेक्ट करता है, इससे इसको दर्शाती हुई कहानी है। केमिस्ट्री अच्छी है, हम दोस्त हैं, हमने लड़ाई नहीं की आपस में, मिलके हंसी खुशी प्रेम से काम किया हमने, और इसमें रायमा भी हैं, वो भी हमारी दोस्त हैं, सौरभ शुक्ला भी हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं, अमित सर भी हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं, तो हम सब ने मिलके बहुत ही मज़े के साथ, हमारे लिए तो पिकनिक ही था, एंड देन वी फिनिश द फिल्म एंड नाउ वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्राइडे व्हेन इट कम्स आउट। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये कागज़ के फूल कहानी थी एक लेखक की, और ये कागज़ के फूल्स है, इट्स अ सैटायर ऑन द राइटर। जो पहली फिल्म थी वो सैटायर नहीं थी, वो व्यंग्यात्मक फिल्म नहीं थी, ये व्यंग्यात्मक है, ये सार्थक नहीं है। तो इसके लिए कागज़ के फूल्स जो है वो जो पन फूल और फूल्स का पन है वो उसको ज़्यादा उस पर सटीक बैठता है। सर, आपके सामने तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि ये सवाल आपने तीसरी बार पूछा है। तो नहीं, बात क्या है ना, बात क्योंकि लेखक की बात हो रही है तो मैं बता दूं कि बात स्क्रिप्ट की होती है। अगर स्क्रिप्ट अच्छी लिखी हो तो एक्टर के लिए बहुत आसान हो जाता है कि कोई भी कहानी कहना उस स्क्रिप्ट से जुड़ी हुई, और अगर स्क्रिप्ट कमज़ोर हो तो हर चीज़ मुश्किल है, हर कहानी मुश्किल है कहना। हमारी एक फिल्म है 14 अगस्त को रिलीज़ हो रही है, गौर हरी दास्तान, वो एक स्वतंत्रता सेनानी के जीवन पे कहानी है, सीरियस फिल्म है, वो कॉमेडी नहीं है, और एक आइलैंड सिटी जो कि उसके बाद रिलीज़ होगी, वो भी पोस्ट प्रोडक्शन में है, वो भी सीरियस फिल्म है, सैटायर है, बट इट्स लाइक ए सीरियस सैटायर, सो लेट्स होप। क्यों आपको पसंद नहीं आया ये? मैं क्या देख तो आप रहे हैं, मैं तो नहीं देखता हूँ, कहेंगे तो आप कहेंगे। Thank you.